आज तक टाइगर ढूंढने में मैं कभी फेल नहीं हुआ और ना कभी उसे खोजने में इतनी सारी सफारी करनी पड़ी। ये ऐसा लग रहा है रात की है। इसलिए हाल ही में चल रहे ट्रेंडिंग वर्ड को हम एज्यूम करते हैं, वो है पनौती। तो इस गेम में हमें सिर्फ दो चीजें ही ढूंढनी है, एक बाघ और दूसरा हमारे बीच मौजूद पनौती को। और एक गजब यार, क्या मेल फीमेल दिख गए इनको। और ये भी जानते हैं कि इस गेम में कौन सा टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट बाघ साइटिंग में सबसे बेस्ट है। कॉल थी क्या पिंच टाइगर रिजर्व या फिर सतपुड़ा। हर गेम में जैसे पॉइंट्स होते हैं वैसे इसमें भी है। टाइगर के लिए 10 पॉइंट्स, लेपर्ड के लिए 5 पॉइंट और भालू के लिए भी 5 पॉइंट। और अगर इनमें से कोई भी जानवर नाइट सफारी को दिखा तो पॉइंट्स डबल। तो चलो शुरू करते हैं इस बहुत बेहद इंटरेस्टिंग गेम के साथ। सांबर कॉल कहाँ था? मेन रोड है ना, मेन रोड के लेफ्ट साइड में, मतलब व्हेन वी गो टुवर्ड्स तुरिया ना, लेफ्ट साइड में। जब तुरिया जाते तो लेफ्ट में था रोड, जैसे कि हाईवे से अपन व्हेन यू गो टुवर्ड्स योर रिसॉर्ट इट इज ऑन योर लेफ्ट साइड। यस, द कॉल वाज ऑन द लेफ्ट साइड। ये वो रोड के बाहर था सांबर कॉल। टाइगर के जो मूवमेंट डिसाइड हुआ है बोले आज सुबह में। अच्छा, क्रॉस हुआ है बोले। अब क्या पता फिर उस तरफ क्रॉस कर गया। हो सकता है, सही नहीं सकता, पता नहीं है उसको कहाँ कहाँ जाए, उसको खुद का पता नहीं है। लेकिन कॉल्स तो बहुत स्ट्रॉन्ग थे। सांबर का अगर प्रोमिनेंट कॉल रोड की उस तरफ हो रहा है, हाँ, अपन को हो सकता है फिर क्रॉस कर गई। सुबह इधर आई हो बच्चों के पास फिर चली गई। अपन चलते हैं उस तरफ, मेड़ बंद तरफ। ये खड़ा है मेल, देखो सर, सर वो देखिए सामने गौर, दो आए, दो दो था। हाँ, वो देखो जा रहा है, वो जा रहा है। हाँ, इंडियन गौर उधर पिक गया था। पेंच टाइगर इज अ फॉरेस्ट की पहली नाइट सफारी और ऊपर से बरसात, यानी किस्मत ही खराब। पर इंटरेस्टिंग बात ये थी कि सांबा डियर की कॉलिंग शाम को शुरू थी और हम उसी जगह पे थे। तो कहाँ चलते हैं अपन, एक काम करते हैं कि सीधे चलते हैं बाम्बू जी, बाम्बू 3 नंबर होते हुए सर एक पूरा राउंड लेके आते हैं, क्योंकि ये गाड़ी तो वहाँ से आ गई है, तो हो सकता है कि अभी थोड़ा साइलेंट हुआ हो तो कॉल मिलने को मिल जाए। तो लेट्स गो। हम जुगनी नाम की टाइगरस को ढूंढ रहे थे क्योंकि सुबह बच्चों के साथ यहाँ उसे देखा गया था। अपन ने बाम्बू तो पूरा घूम के आ गए हैं, घास मैदान चेक कर लिया है। हाँ, अब अपन एक काम करते हैं फिर से एक बार बेरबन वाले एरिया में चलते हैं, क्योंकि जुगनी के जो नए बच्चे हैं उसका मूवमेंट वहीं देखा गया है। कुछ लग रहा है? लग रहा है कि दिख गया फिर कुछ सुना। जुगनी इस एरिया में आती है क्या? आती है, उसी का एरिया है पूरा ये। जुगनी पारदो फीमेल जो मेन गेट पे कोर एरिया पे मिलती है उसकी एक लेटर की बेटी है सर। मूवमेंट क्या है? अलर्ट है? नहीं अलर्ट नहीं है, ये अलर्ट था बस अभी। नहीं नहीं, वो ऐसा अभी नॉर्मल है। अगर जुगनी टाइग्रेस नाइट सफारी में दिख जाती तो 20 पॉइंट्स पहले ही राउंड में मिल जाते, पर अफसोस अब बारी थी सातपुड़ा की नाइट सफारी की जो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली थी। नॉर्मली बफर्स में हर्बीवोर्स उतने नहीं होते, बट यहाँ हर्बीवोर्स अच्छे हैं। हार्डली 5 मिनट्स में हम अपने गेट के पास पहुंच जाएंगे जहाँ से हम एंटर करेंगे। और यहाँ का बफर इतना खूबसूरत है कि आप जज नहीं कर पाएंगे कि वो कोरे की बफर है। ये जो फीमेल है यहाँ पे 3 अपने बच्चों के साथ हैं, बच्चों की एज करीबन 10 से 11 महीने की है। और ये जो आपके राइट साइड में और लेफ्ट साइड में इसका पूरा एरिया है, कैटल के लिए इजीली मिल जाता है यहाँ पे, इसलिए वो ज्यादा प्रेफर करती है। सातपुड़ा के इस साइड के क्षेत्र में अक्सर कोई नहीं जाता। यहाँ बाघ और तेंदुए अक्सर सफारी गेट में प्रवेश करने से पहले या गेट से बाहर निकलने के बाद मेन रोड पे ही दिख जाते हैं। तो ये पन्नी पड़ी है, क्यों उठाओ। सातपुड़ा के सहरा बफर जोन में वर्तमान में 4 बाघ घूम रहे थे और उनमें से एक टाइग्रेस बच्चों वाली थी। हम उसी को ढूंढने की स्ट्रेटेजी बना रहे थे। फ्रेश है? किसके? फीमेल है। चलो चलो पीछे चलो। बट अगर फीमेल पीछे निकल गई होगी तो ये समस्या है कि कितना निकलेगी। नहीं, पीछे की तरफ पंजे फ्रेश है तो पीछे ही जाते हैं। फ्रेश है पंजे? देखे क्या, किसने देखे पंजे? चलो एक बार चेक कर लेते हैं। हमको अभी एक लेपर्ड मिला है बहुत जबरदस्त नाइट सफारी में, अभी हम उसका वेट कर रहे हैं रोड पे आने का, लेट्स सी क्या होता है। तो सातपुड़ा की पहली जंगल सफारी में वो भी रात में हमें लेपर्ड की अच्छी साइटिंग हुई। अब पहली राउंड में पेंच का स्कोर 0 और सातपुड़ा 10 पॉइंट के साथ आगे था। भीरवा
टाइगर ऐसे कर चुका होगा इसे। पेंच में हम कुर्सापार कोर जोन में थे जहां बारस नाम की बहुत ही शानदार बाघिन को खोज रहे थे। पीछे ट्रायल लेते अपन, हो सकता है सुबह चल के अभी थोड़ा देर बैठ गई हो। चल पलट 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 पीछे चल। ये अभी का यार, ये देखो ये आया है टाइगर यहाँ। ये इस तरफ जाने का तो है, अंदर बार हो ही गई। इस तरफ से निकली है, इस तरफ गई है। ढूंढते ढूंढते हम बारस के बहुत ही करीब थे, शायद वो आसपास ही थी और बंदर यहाँ बाघ होने के संकेत दे रहे थे। इस तरफ चिल्ला रहे, कौन चिल्ला है? कोई हल्का स्मेल भी आया है। लंगूर का आवाज़ आ रहा है। सातपुड़ा के घने जंगलों में जहाँ वहाँ की फेमस फायर लाइन फीमेल सुबह सुबह बच्चों के साथ किसी टूरिस्ट को देखी थी। कॉल थी क्या इधर? ये तो पंजा नहीं मिला। हाँ टाइगर के पंजे खत्म हुए ना, तो वहाँ ढूंढेंगे टाइगर, वही कहीं फ्लैट हो गया बैठा होगा। लेकिन मिलेंगे टाइगर? मिले टाइगर तो मिले, निकल लेगा कब ये गारंटी नहीं है अभी। ये अभी बीच में कहीं बैठ गया है क्योंकि निकला है और रोड ही रोड चला है, तो कल शाम का मूवमेंट और इधर के बीच में एंड हुआ है उसका, तो अभी तक की इधर क्यों निकला नहीं, तो ये बीच में रुका होगा, तो रुका होगा नहीं तो फिर आगे बढ़ चुका है। इसकी टेरिटरी तो जहर घाट तक रहते। जहर घाट कहाँ पे आ गया? चूना रोड पर। चूना रोड पे। सपोज अगर हम यहाँ से निकले तो ऐसा कोई फिर से यहाँ आने का जाने का ऐसा करेंगे या उधर अभी जितना इस एरिया में हमने टाइम दिया उतना ही टाइम उधर देके वापस यहाँ आ जाए? आ सकते हैं। Okay. हाँ, अपने लिए भी थोड़ा नया रहेगा वो। तो क्या करें कि उधर अभी परफेक्ट टाइम है उधर मूव करने का? लगभग एक घंटा उधर देते हैं, उधर का ढूंढ लेते हैं, उसके बाद फिर ये तो धूप वाला मूवमेंट समझ में आ रहा है। परफेक्ट नहीं है उधर का मूवमेंट, मूवमेंट उधर का होगा तो लेट ही होगा। सीन तो 8-9 के बीच का ही रहता है उधर, 10-11 अगर दिखना हो मूवमेंट करते तो अर्ली मॉर्निंग दिख सकती थी वहीं पे मिडो में ही। और नहीं तो पंजे वो जो मिडोज है ना अपने गेट वाले, एक भी पंजा नहीं मिल रहा कल से अपने को, जैसे इंटर किया पंजा नहीं मिल रहा आज, मगर पंजा मिला मॉर्निंग आज मिला, तो इसलिए चांसेस हैं लेट मूवमेंट के वहाँ पे। पंजे मिले? हाँ पंजे मिले ना, वो वही बोल रहा तो उसको ढूंढना तो बनता है। यहाँ तो कंफर्म पता चल गया टाइगर है, यहाँ है टाइगर। हाँ ठीक है, तो ये एक काम करते हैं 5-10 मिनट रुक के फिर चलते हैं, एक बार जाते हैं वहाँ पे क्या सिचुएशन है पता तो चले, पता चल जाएगा। नहीं ये यहाँ तक टाइगर चला है ना, गाड़ी की आवाज़ सुन के भागा ना इधर पहाड़ी की तरफ। कुछ चल रहा है, सांभर है वो, क्या पूछ दिख रही है, वो जा रहे हैं उसी तरफ जा रहे हैं, कॉलिंग के उस तरफ ही जा रहे हैं इधर का ना। वो भी देखा ना मैंने, वहाँ बताया वो क्या फ्रेश बंदा है। हाँ आगे वाला बंदा क्लियर है, फीमेल है, फीमेल है, फीमेल है। और ये पंजे लगे टाइगर के, ऐसे ऐसे दबा, ऐसे दबा, ये पूरे रोड ही रोड, सुबह तो एक पंजा नहीं था यहाँ। संजू संजू ओ संजू टाइगर दिखा दे, कहाँ छुपा है छुपा मुझको दिखा दे, अब उसका पता दे उसको रोड चला दे, मैं उससे मिलूंगा हेड ऑन दिला दे यार दिला दे हेड ऑन दिला दे। ये संजू है, आपका क्या कहना है इस गाने पे? हम लोग कोरस में गाते हैं। Oh you need this. We're going for safari now, don't need a phone. पेंच की सेकेंड राउंड की फर्स्ट ट्रेनिंग फेल गई, पर सातपुड़ा से खबर अभी तक आनी थी, तब तक हम थर्ड राउंड की शुरुआत करते हैं।
मतलब सतपुड़ा का जो एमपी में पहला नंबर और देश में यदि दूसरे नंबर की बात करें सर, तो आने का कारण ही ये है कि सर यहाँ मतलब मैनेजमेंट इतना अच्छा है हमारे अधिकारियों के सुपरविजन में, खास तौर से हमारे फील्ड डायरेक्टर सर हैं कृष्णमूर्ति साहब, डिप्टी डायरेक्टर साहब हैं संदीप फेलो साहब, मतलब इतना बढ़िया काम होता है सर, मतलब एक छोटे से छोटे कर्मचारी को भी उतना ही महत्व दिया जाता है सर, क्योंकि योगदान उनका भी है, तो मतलब माहौल इतना अच्छा है काम करने के लिए कि हर आदमी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा पा रहा है सर। अब तो सर पूरा 10 रेंज है इस समय सर, 6 कोर की हैं, 4 बफर की रेंज है, और ऐसा कोई एरिया नहीं है, कोई बीट बाकी नहीं है सर पूरे सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में जहाँ टाइगर कैप्चर ना हुआ हो। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। तो यहाँ पे एक हमको पंजा मिला था मेल टाइगर का, और वो इतना हैवी पंजा था कि मतलब हम एज्यूम कर रहे थे कि वो टाइगर अगर हमें दिखेगा तो कितना हैवी टाइगर मेल टाइगर होगा। तो जो हमारे फॉरेस्ट गार्ड साहब हैं वो कुछ प्लान बना रहे हैं यहाँ पे कि किस तरफ से जाना है और किस तरफ से आना है स्ट्रेटजिकली कि टाइगर की साइटिंग हो जाए। तो सर अभी हम कौन से एरिया में जाते हैं और कौन से एरिया से वापस आएंगे? सर अपन ये जो है सफारी रोड पे जा रहे हैं अपन, तो दो रोड हैं आगे से, दो रोड हो जाएंगे, एक राइट में गया है और पूरा घूम के फिर लेफ्ट पे निकलेगा। काम नहीं है ईजी, ये है बहुत हार्ड। जंगल की असली मेहनत अगर पूछनी हो तो साथ में हमारे बीट गार्ड, ये एक हमारे बीट गार्ड सर के लिए थी। थैंक यू। सही था। टाइगर लेपर्ड, टाइगर बोला बहुत बड़ा, और देखिए उस पंजे को देख, पिछले ना पिछले इतना बड़ा पंजा है वो। हाँ सर वो, ये तो अभी का है। थैंक यू, वेरी वेरी नाइस ऑफ यू गाइस। सेम ब्रो, विल माय विल मीट इन यूरोप, हैव अ गुड टाइम, बाय एंड गुड हंटिंग। तो अभी हम फिलहाल राजा को ढूंढते हैं बखारी में जाके, और हो सकता है T67 भी मिल जाए। मीरा टाइगर उसके बाद साइट ही नहीं हुई है। हाँ हाँ अभी तक नहीं मिली। इतना बड़ा तना है पेड़ का। अभी हम जा रहे हैं बाम्बू फॉरेस्ट की तरफ, जो T101 मेल टाइगर है ना, खली खली उसे निकनेम दिया है खली। बाकी गाड़ियाँ भी आ जाएंगी तो उनसे लोकेशन मिल जाएगा और फिर बखरे जाएंगे। हाँ बोट कैम चेक कर लेते हैं क्या करते हैं। वो पहाड़ी के ऊपर है, पानी के उस पर। ये से चला है वो। फ्रेश है? नहीं पुराने। नहीं ऐसे यहाँ से ऐसे देखने पे लग रहा है कि फ्रेश है, दोपहर के हो सकते हैं। राउंड थर्ड में पेंच टाइगर रिजर्व में एक तेंदुआ अचानक से सामने आया। उसकी चाल बाघ जैसी थी, वो बिल्कुल नीडर था। वो तो चला गया, पर उसके साथ साथ सतपुड़ा और पेंच में अभी सिर्फ 5 पॉइंट का ही फासला था, पर सेकंड राउंड का फैसला आना अभी तक बाकी था। तो चलो ये जानते हैं कि सतपुड़ा की सेकेंड सफारी में एग्जैक्टली क्या हुआ था। तेंदुआ बहुत देख ले प्रकाश, अपन देखने टाइगर ही है। ये पंजे कहाँ एंड हो रहे वो देख के अपन रुकेंगे बात है। थोड़ा अंदर आगे नहीं जाते ज़्यादा। तो नॉर्मल है, एक नॉर्मल हो गया। चलो चलो। नहीं तो अपना किधर आता है उस तरफ? इसी नीचे तरफ आएगा वो, जो कल डैम तरफ गए थे उसके इधर ही आएगा, ऊपर नहीं जाएंगे पहाड़ी तरफ। अपना एरिया इधर का सर। थोड़ा सा पर बहुत हिल रही थी गाड़ी, कुछ स्टेडी नहीं है, मजा नहीं। खेल तो हो सकता छोटू। हाँ आवाज की तरफ इस तरफ ना, चिंता मत करो बने भैया, अपने काजल पूरा पर सपोर्ट है। ठीक है ठीक है ठीक है। और अगर पहुंच कर टाइगर ये मुझे दिखा अंदर मूवमेंट कर रहा है इस साइड, मैंने देखा कुछ तो भी मूवमेंट हुआ यहाँ से, यहाँ पे ऐसा ऐसा गया बुला रहे। हाँ ये बुलाने वाली साउंड है। बनोती अरे यार, अगेन अगेन हालांकि ये टाइगर साइटिंग बहुत ही एवरेज थी, पर 20 पॉइंट के साथ इस पहली सीरीज में सातपुड़ा ने बाजी मार ली थी, पर अभी भी 3 राउंड्स बाकी थे।
तो चलिए जानते हैं अगले वीडियो में इस बहुत बड़े इंटरेस्टिंग गेम का असली विनर कौन है, पेंच या फिर सातपुड़ा।